For education video, please subscribe our YouTube channel e-learning with Suman and press bell icon. Hi students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we will discuss about class 12th Flamingo book chapter 3 deep water. डीप वाटर की हम पहले भी इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं. मैं इसको इसका जो हाफ पार्ट है फर्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ. उसमें मैंने कराया है कि किस प्रकार जो विलियम डगलस है उसके साथ जो मिस एडवेंचर हैपन हुई थी, क्या थी मिस एडवेंचर, वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की है. आज हम नेक्स्ट करेंगे कि किस प्रकार विलियम डगलस ने अपने पानी के भय पर काबू पाया, हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, एंड इंस्ट्रक्टर ने किस प्रकार उसको स्विम करना सिखाया, और उसे व्हाई डिड ही नीड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, क्यों उसे ज़रूरत पड़ी अपने पानी के भय पर काबू पाने की. ये सारा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अब हम लाइन टू लाइन करते हैं. इफ़ यू ईयर लेटर व्हेन आई कम टू नो द वाटर ऑफ द कास्केड आई वांटेड टू गेट इनटू देम. अब ये वैसे मैंने ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट वीडियो में करा दिया था कि जब भी वो कहता है जब भी मैं झरने पर जाता वहाँ पर टाइटन बम्पिंग में रिवर जो बम्पिंग रिवर थी उसमें या बाथिंग इन वॉर्म लेक, तो वो पानी का जो टेरर था वो उसको सीज कर लेता, बिल्कुल ठीक है ग्रैब कर लेता. इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली. उसने उस टेरर ने उसको ग्रैब कर लिया था कम्प्लीटली, और उस जो उसकी लेग्स थी पानी को देखकर पैरालाइज हो जाती थी. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट. वो कहता बर्फ की भांति सुन कर देता था, ये जो भय था वो उसको ग्रैब कर लेता उसके हर्ट को. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाय. और वो कहता है कि ये लगातार चलता रहा, मतलब ये पानी ने मुझे हैंडीकैप बना दिया था बिल्कुल भय ने, ये कई सालों तक लगातार ऐसे ही चलता रहा. इन कैनोई जोन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन. अब वो कहता है कि जब मैं मेन लेक पे जाता फिशिंग करने के लिए, सैल्मन जो मछली है उसको पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए जब मैं लेक पे जाता तो ये भय मेरा वापस आ जाता. ठीक है, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स ऑन मेटोलियस इन ऑर्गन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वॉटर फॉलोड मी. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. अब वो कहता है कि जब भी मतलब मैं जाता तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बनी रहती. जब मैं मेन लेक पे जाता अपनी कैनोई में बैठकर, नौकाओं पर बैठकर, या जो सालमन फिश थी उनको जब हम शिकार कर रहे होते न्यू हैम्पशायर में, और जो बांस मछलियाँ थी उनको जब हम पकड़ रहे होते, और जो ऑर्गन में डेस्ट्यूट्स और मेटोलिश जो नदी थी उसमें जब हम ट्राउट फिशिंग करते, मतलब ट्राउट भी क्या है मछलियाँ हैं, उनको पकड़ रहे होते, या जो कोलंबिया में हम सालमन फिश को पकड़ रहे होते, और जब हम भी कास्केड्स में बम्पिंग लेक में होता, तो मैं कहीं पर भी जाता तो ये मेरा जो हॉन्टिंग फियर था, ये जो पानी का भय था, वो मेरा पीछा करता, मतलब मेरा ये भय वापिस आ जाता. और इसने मेरी सारी मतलब मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, सारी जो खुशी मिलती मुझे फिशिंग करके, वो सारी नष्ट कर दी थी. ठीक है, कैनोइंग बोटिंग और स्विमिंग, मतलब अब मैं ना ये कैनोइंग बोटिंग स्विमिंग जो खुशी मुझे मिलती इनको करके, वो खुशी मिलती ही नहीं थी कि वो भय वापिस आ जाता था, तो वो वंचित. इसलिए उसे नीड पड़ी इस भय पर काबू पाने की, क्योंकि वो कैनोइंग बोटिंग और स्विमिंग से डिप्राइड वंचित रह जाता. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. मतलब मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था इस पानी के भय पर काबू पाने के लिए. बट इट हेल्ड मी फिर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन फिर भी मैं मतलब इसने मुझ पर जकड़ बनाए रखी, अपनी पकड़ बनाए रखी. फाइनली 1 अक्टूबर, अब वो कहता है लास्ट में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या हायर करूँगा, एक इंस्ट्रक्टर और तैरना सीखूँगा. आई वेंट टू ए पुल, मैं एक पुल पर गया एंड प्रैक्टिस 5 days a week एन आवर ईच डे. द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रन एन ओवरहेड केबल. अब वो कहता है कि मैंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, ठीक है, और वो मैं डेली पुल पर जाता और एक 1 week में 5 days में प्रैक्टिस करता, एन आवर ईच डे, 1 घंटा प्रतिदिन. ठीक है, और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेरे अराउंड एक बेल्ट को अटैच किया, एक बेल्ट बांध दी, ए रोप अटैच, और उस बेल्ट के साथ एक रोप को अटैच किया,
belt went through a pulley that ran on an overhead cable. मतलब जो जो belt थी, जो रस्सी थी, एक rope थी, वो cable से मतलब cable से गुजरती थी. He held on to the end of the rope. और वो उसने ना rope का last वाला हिस्सा वो पकड़ के रखता. कौन? Instructor पकड़ के रखता. And we went back and forth. हम आगे पीछे जाते. मतलब pool में. Back and forth across the pool. Hour after hour, day after day, weekend after week, ऐसे ही मतलब वो रस्सी को पकड़ के रखता और वो क्या करता? Swimming करता. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. अब जैसे वो trip पे जाते थे ना, after hour after करते, day after day करता गया, वो ऐसे week बीत गए ऐसे करते करते, तो कहता है कि जब मैं trip पे जाता था pool में, ठीक है, a bit of panic seized me, एक थोड़ा सा मतलब जो भय था वो मुझ पर सीज कर लेता था, मतलब भय वापिस आ जाता. इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, आई वेंट अंडर. मतलब इंस्ट्रक्टर क्या करता, जब अपनी रस्सी को लूज छोड़ देता ना मतलब, तो मैं नीचे की तरफ जाता. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और मेरा पुराना भय वापिस आ जाता. मेरी टांगे बिल्कुल बर्फ की भांति जम जाती. माय लेग्स फ्रोज. It was 3 months before the tension began to slack. Slack means कम होना. अब 3 months के बाद, ठीक है, before the tension began to slack. अब after 3 months जो ये थी tension, तनाव थोड़ा कम होना start हुआ. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. अब instructor ने मुझे क्या सिखाया कि किस प्रकार, exhale means क्या होता है, पानी की पानी से बाहर हम किस प्रकार सांस लेते हैं, और टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और पानी के अंदर रहकर किस प्रकार सांस ली जाती है, इनहेल, ये सिखाया. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times. जो कराता मैं वो एक्सरसाइज 100 times रिपीट करता. बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. अब वो कहता है कि जब मेरा पानी के अंदर सिर होता, पानी के अंदर होता मेरा मुँह, तो ये जो मुझे थोड़ी घबराहट सी हो जाती, पैनिक सा, मेरा वो डर सा वापिस आ जाता. नेक्स्ट ही हैड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया, इंस्ट्रक्टर उसको पुल की साइड पर मतलब एक तरफ पकड़ लेता और मुझे क्या बोलता, मेरी आर्म्स को पकड़ लेता और बोलता कि पानी में पैर मार, ठीक है, किक विद माई लेग्स. 4 weeks आई डिड जस्ट दैट. मतलब लगातार कई सप्ताहों तक वो ऐसा करता रहा. फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क. पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर देती, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड. लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई, ठीक है, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. और लास्ट मतलब फाइनली उन्होंने मेरी बात मानना, जो मैंने कमांड थी कि करो, उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया. किसने? लेग्स ने. टस पीस बाय पीस, टुकड़े कर करके, पार्ट बाय पार्ट ही बिल्ट ए स्विमर. उसने मुझे एक स्विमर बनाया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब हर एक पार्ट को मतलब पीस बाय पीस करवाया है ना, पार्ट बाय पार्ट, की पहले ये सिखाया, फिर टांगे मान इसकाई, एक्जेल सिखाया, इनहेल सिखाया, और जब हर एक पार्ट परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर उसको पूरा इंटीग्रेटेड कर दिया, टुगेदर कर दिया. इन अप्रैल ही सेड, 1 अक्टूबर को हायर किया था इंस्ट्रक्टर, अप्रैल में उसने बोल दिया, किसने? इंस्ट्रक्टर ने. नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विमिंग कर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल स्ट्रोक. अब उसने लास्ट में अप्रैल में बोल दिया कि तुम कर सकते हो, डाइव, छलांग लगाओ पानी में, स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, पूरे पुल की मतलब लेंथ, पूरे लंबाई तैर कर आओ, क्रॉल स्ट्रोक. और जैसे क्रॉल करते हैं ना मतलब पैर मार मार के स्ट्रोक लगा के आओ पानी में. आई गेट द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, मतलब इंस्ट्रक्टर की तरफ से तो इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हुआ. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, उसने तो बोल दिया आई फिनिश्ड, ठीक है, लेकिन मेरा फिनिश नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरस टिकन वैन आई वॉज अलोन इन द पुल. उसे क्या था कि जो मेरा भय था, कहीं जब मैं अकेला हूँ पुल में तो वापस ना आ जाए, ठीक है, क्या पता अब इंस्ट्रक्टर है, उसकी हेल्प से ही मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, इसलिए उसे क्या था कि जब मैं अकेला हूँगा क्या मैं स्विमिंग कर पाऊँगा या नहीं. आई ट्राइड इट, और मैंने कोशिश की. मैंने आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टीनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ऑ वेल हियर इज टू यू लुक, एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल. अब वो कहते हैं कि जब मैं अप डाउन करता, ठीक है, पुल में स्वैम करता, तो टीनी वेस्टेज, थोड़ा भय वापिस आता कभी कभी, लेकिन फिर मैं वो ही चढ़ा कर बोलता उसे, टेरर को बोलता है
मुझे डराओगे, ट्राइंग टू मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हेयर इज टू यू लुक, देखो डराओ कैसे डराओगे। और वह वापिस चला जाता और मैं फिर क्या करके आता, लेंथ ऑफ द पुल, मतलब पूरे तालाब में, पूरे पुल में स्विम करके आता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, इस प्रकार वो अप्रैल में बोल दिया था वैसे इंस्ट्रक्टर ने, वो जुलाई तक ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे श्योर नहीं था कि मेरा जो सारा भय है वो वापिस चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वो कहता है अब मैं वेंटवर्थ जाता हूँ, वेंटवर्थ लेक जाता हूँ न्यू हैम्पशायर में। डाइव ऑफ ए डॉग एट ट्रिगिस आइलैंड, डॉग क्या होता है, डॉग के जहाँ पर मतलब जहाज रोके जाते हैं, डॉग होता है प्लेस वेयर शिप आर रिपेयर, वेयर ए प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर, वेयर सिप्स आर रिपेयर, ठीक है। डॉक ऑफ ए डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगिस आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टेम टेक्ट आइलैंड। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। अब वो कहता है कि मतलब अब वो पूरी लंबाई को माप लेता था लेक में, ठीक है। अब वो कहाँ पर जाता है, न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक पर जाता है, वहाँ जो ट्रिग्स आइलैंड था, जो जहाज़ों को मरम्मत करने का स्थान था, वहाँ से लेकर उसने डुबकी लगाई है और जो लेक थी उसके पार स्टेम्प्ड एक्टे आइलैंड तक वो 2 मील तैर कर जाता है। और फिर उसने जो सारे स्ट्रोक थे, ये जो सारे स्ट्रोक आए हैं, ये क्या है, स्टाइल ऑफ स्विमिंग, स्टाइल ऑफ स्विमिंग, जैसे क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक अब बैक स्ट्रोक, वो सारे स्ट्रोक लगाता है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार उसका बैक वापिस आता। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, अब जब मैं लेक के मिडल में था, आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना जो फेस है पानी में किया एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, बॉटमलेस वाटर पानी पानी, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्स इन मिनिएचर, थोड़ा सा भय वापिस आया था। आई लाफ, मैं हंसा और बोला वेल मिस्टर टेरर What do you think you can do to me? मतलब क्या तुम मुझे डरा सकते हो, लगता है तुम्हें। It fled and I swam on. वो भाग गया डर और मैं तैरता रहा। Yet I had residual doubts. लेकिन कहता मुझे अब भी थोड़ा थोड़ा डाउट था अपने ऊपर, संदेह था मुझे अब भी कि मैं क्या पता कि मैं अच्छे से तैर पाऊंगा या नहीं। At my first opportunities, I hurried west. अब मैं west की तरफ जाता हूँ। Went up the Titan to Conrad Meadows. Up the Conrad Creek Trail to Meddy Glacier and कैम्प्ट इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। अब वो देखो यहाँ पर गया है मेडी ग्लेशियर और उसने कैंप लगाया वहाँ पर हाई मिडोज में बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड होता है कि मैंने कपड़े उतारे, अनडेस्ट डाइव्ड इन टू द लेक और लेक में छलांग लगाई एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर और दूसरे किनारे पर तैर कर आया बैक जस्ट एज डॉग कार्पन यूज टूडू, जिस प्रकार डॉग कार्पन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, अब मैं खुशी से चिल्लाया एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिल्बर्ट पीक ने मतलब मेरी गूंज का इको मतलब मेरी चिल्लाहट का उत्तर दिया, रिप्लाई किया गूंज के साथ। आई हैड कन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैंने कन्क्वायर कर लिया था, जीत लिया था अपने भय को। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए डीप मीनिंग रखता है। कौन सा एक्सपीरियंस, जो किससे मिला था, मिस एडवेंचर से। एज ओनली दोज हू हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कैन कन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, मतलब वो ही समझ सकता है उस एक्सपीरियंस को, उस टेरर को, जिसने स्टार्क टेरर को का एक्सपीरियंस किया और फिर उसको कन्क्वायर किया हुआ, वही मतलब मेरी को अप्रिशिएट कर सकता है। इन डेथ देयर इज पीस, वो कहता है डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु देखो जब डेथ हो जाती है तो शांति मिलती है आदमी को, लेकिन ये डर कि मैं मरने वाला, ठीक है, वो तो टेरर है ना। ओनली देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय से ही हमें डर लगता है। एज रिजल्ट न्यू वैन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब ये एक भय ही है जो हमें डराता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, लेकिन कहता है मैंने तो दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस की है, सेंसेशन ऑफ डाइंग मरने का भय, ठीक है, एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो भय से मृत्यु के भय से जो भय प्रोड्यूस होता वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। द विल टू लाइफ सम हाउ ग्रू इन
इंटेंसिटी, वो कहता है इंटेंसिटी मीन्स बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, मतलब मेरी इंटेंसिटी ग्रेटनेस कि मेरी इस जीने की इच्छा को और बढ़ा दिया है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, वो कहता है लास्ट में मैं क्या फील करता हूँ, मुक्त फील करता हूँ, फ्री फील करता हूँ, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर। वो कहता है कि मैं अब फ्री हूँ, ट्रायल्स पगडंडियों पर चल सकता हूँ या फिर क्लाइम कर सकता हूँ, पहाड़ियों पर चढ़ सकता हूँ, और जो भय था वो सारा मेरा एक साइड हो गया है, मैंने भय पर ओवरकम कर लिया, कन्वर्ट कर लिया है। तो ये था जो हमारा चैप्टर है, इसके हम थिंक एज यू रीड क्वेश्चन भी हैं। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ये मैंने जब मैं करा रही थी तो साथ के साथ मैंने बोला था स्विमिंग और कैनोइंग बोटिंग से वो डिप्राइव हो रहा था, वंचित हो रहा था ये सारी जॉय लेने से, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि क्या करेगा, डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि किस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने इसको बिल्ड अ स्विमर, तिराक बनाया, स्विमर बनाया। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंपेयर द ओल्ड टेरर, लास्ट में जब वो वॉर्म लेक पे जाता है और वेंटवर्थ लेक पर जाता है, वहाँ पर जाकर उसने लास्ट में जब वो अकेला रहकर स्विमिंग की है तब उसको लगा है कि हाँ उसने अपने कंपेयर कर लिया है ओल्ड टेरर को। ये थी क्वेश्चन है और लास्ट में इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा है कि किस प्रकार विलियम डगलस ने ओवरकम किया अपने भय को, किस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया। तो जो हमारे अंदर भय होता है ना, हमें स्टार्टिंग में भय लगता है और कई बार हमारे साथ ऐसी मिस एडवेंचर हैपन हो जाती है जिस प्रकार विलियम डगलस के साथ हुई है, तो हम ये मान लेते कि नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा वो भय चला जाता है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ये हमने इस चैप्टर में आज पढ़ा है। तो ये था मेरा सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट मिस एडवेंचर था, सेकंड पार्ट की किस प्रकार उसने अपने भय पर काबू पाया विलियम डगलस ने। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे चैप्टर को। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।